Hello friends, how are you? So friends, we completed with the labor costing in the last lecture, right? And now we are going to start with another topic, a new one that is known as overhead costing. Right? So we are done with the two chapters, that is material costing and labor costing. Now we are going to start the third one, that is overhead costing, right? So when we talk about the costing, these three chapters are the most important chapters in costing. These three chapters, material costing, right? Second, labor, and the third, overhead costing, right? So if we talk from the costing point of view, these three chapters are very, very important, and these three chapters are going to have the maximum weightage in the examination. Clear? So these three chapters are very, very important, and you need to understand each and every concept thoroughly. Clear? So we are done with material costing, we are done with the labor costing. And now we are going to start with the third one, that is overhead costing. Clear? Chalo, start karte hain overhead costing. Uske liye sabse pehle hume kya samajhna hai ki overhead costing hai kya cheez? Hum ise kyu padh rahe hain? Hum isme kya padhne wale hain? Right? So this is what we are going to answer. Right? Bada ek simple sa example lunga. आप लोग सी ए स्टूडेंट हो, राइट? अब सी ए क्लियर करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है, मैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. चलो आप लोग बताओ कि सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है, सी ए क्लियर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है. सबसे पहले आपको मटेरियल की जरूरत है. सर मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल में क्या आया? सर मटेरियल में दो चीजें आई, एक तो आई जी आपकी जो बुक्स है, राइट? जो आपकी बुक्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर सीए, राइट? तो सर दूसरी चीज क्या आई मटेरियल में? सर मटेरियल में दूसरी चीज आई कि आपको पढ़ाई करने के लिए एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड रखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, आपको प्रॉपर फूड चाहिए. क्लियर है? तो मैं ये दो चीजों को मटेरियल मान के चलूंगा कि आपको ये दो चीजें बहुत जरूरी है सीए बनने के लिए. एक तो आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, राइट? और एक आपकी बुक्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है सीए क्लियर करने के लिए. क्लियर है? तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपको सीए बनने के लिए. तो सर अब मेरे को ये बताओ कि आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि आपने कितने बुक्स बाय की, सपोज थ्रू आउट द सीए आपने 20 बुक्स बाय की, और आप मुझे उसकी कॉस्ट भी बता सकते हो कि सर मेरा अप्रोक्सीमेटली 10,000 का खर्चा जो है वो बुक्स पे आ गया. आप मुझे पर बुक कॉस्ट बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, मैंने तो सभी बिल संभाल के रखे हैं, फाउंडेशन से लेके इंटर से लेके फाइनल तक के सभी बिल संभाल के रखे हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की और कौन सी बुक कितने की आई थी. सर बिल्कुल है, तो मैं आपको हर एक बुक की मैं आपको कॉस्ट बता सकता हूँ, राइट? चलो अब आए हम फूड पे. सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने सीए बनने के लिए, आपने ये तो बता दिया कि मैंने 20 बुक्स यूज़ की, क्या आप मुझे ये बता सकते हो आपने कितना खाना खाया? आपने, आपको 5 साल लगे, 6 साल लगे सीए करने में, वट एवर द टाइम ड्यूरेशन इज, कि आपने उस ड्यूरेशन में कितना फूड कंज्यूम किया, कितना मटेरियल कंज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्या आप मेरे को बता सकते हो? सर ये कैसे बता सकते हैं सर, अब 5 साल का फूड का रिकॉर्ड थोड़ी ना रखेंगे,
और घर में सिर्फ मैं ही थोड़ी ना फूड खाने के लिए, मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरे भाई बहन भी हैं, दादा दादी भी हैं, तो सभी खाना खा रहे हैं। सर मैं कैसे बता दूंगा कि मेरे सीए बनने में फूड की कंट्रीब्यूशन कितनी है, मैं नहीं बता सकता। क्लियर है कि मेरे सीए बनने में मेरे फूड की कंट्रीब्यूशन कितनी है, मैं इसको नहीं बता सकता। राइट अब मेरे को ये बताओ कि ये जो कॉस्ट है और ये जो कॉस्ट है, इनको हम क्या नाम देंगे? ये हमने डिस्कस कर चुके हैं हम सबसे पहले क्लास में, कि अगर मैं एक यूनिट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अगर मैं एक यूनिट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, देन आई कॉल इट एज डायरेक्ट कॉस्ट। ये मेरी है डायरेक्ट मटेरियल, राइट? और अगर मैं एक यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, दिस इज माय इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? दिस इज माय इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर? सो मेरे पास, अगर मटेरियल की बात करें, तो मेरे पास दो एलिमेंट्स आए, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। कैसे हुए वो भी बता दिए। फूड को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आप मुझे बुक्स बता सकते हो कि एक सब्जेक्ट की सर मैंने इतनी बुक्स ली, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता सकते कि एक सब्जेक्ट के पीछे मैंने खाना कितना खाया। क्लियर? तो अगर मैं उसको एक यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो दैट इज माई इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर मैं एक यूनिट में उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो दैट इज माई डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, समझ में आया? चलो अब दूसरी चीज क्या चाहिए सर? पहली चीज तो हमने कर ली कि मटेरियल चाहिए हमें सीए बनने के लिए। सर मटेरियल आपके पास है तो आपको लेबर भी तो करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक है। अब इसके भी मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं। सर कौन से दो एलिमेंट्स हैं? एक तो है जी आपका हार्डवर्क, राइट? और दूसरा क्या है? अगर आप हार्डवर्क तभी कर पाओगे अगर आपकी फिजिकल फिटनेस होगी। फिजिकल फिटनेस के लिए मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा एक्सरसाइज। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबर, ये भी मेहनत का पार्ट है, राइट? अब आप मुझे ये बताओ, आप हार्डवर्क कैसे कहोगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में आपने कितनी मेहनत की? सर बिल्कुल बता सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने में मैंने 10 घंटे लगाए, राइट? आपने कहा सर टैक्स को पढ़ने के लिए मैंने 10 घंटे लगाए, राइट? ऑडिट को पढ़ने के लिए मैंने 5 घंटे लगाए, कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए सर मैंने 4 घंटे लगाए, राइट? तो अब कहाँ ज़्यादा आपने मेहनत की? टैक्स में। क्यों? आपको टैक्स अपना वीक लग रहा था, आपको लग रहा था टैक्स वीक है, मुझे उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, मुझे उसके लिए मेहनत ज़्यादा चाहिए, तो आपने टैक्स को क्या किया? ज़्यादा टाइम दिया। तो आप एक सब्जेक्ट में मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि आपने कितने घंटे की मेहनत की है उसमें। क्लियर है? तो ये तो थी मेरी लेबर का एक पार्ट। अब आप अगर मुझे एक सब्जेक्ट में बता सकते हो कि सर मैंने कितनी मेहनत की है, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? डायरेक्ट कॉस्ट बोलूँगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलूँगा? सर ये मेरी हुई डायरेक्ट लेबर। क्लियर है? सर आप मुझे एक चीज बताओ, अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने एक सब्जेक्ट के पीछे आपने कितनी एक्सरसाइज की? क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हो? सर मैं कभी भी नहीं बता पाऊंगा। कैसे बताऊंगा मैं आपको कि एक सब्जेक्ट के लिए मैंने कैसे एक्सरसाइज की? सर मैंने तो ओवरऑल एक्सरसाइज की है, मैंने एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ना एक्सरसाइज की कि आज मुझे टैक्स पढ़ना है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, कल ऑडिट पढ़ना है कल नहीं करूंगा। सर ऐसा तो नहीं है, राइट? तो अगर मैं उसको एक यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस कॉस्ट को, तो ये मेरी क्या बनी? इनडायरेक्ट लेबर, राइट? तो मेरे दो सीए बनने के लिए मेरे दो एलिमेंट्स तो सर कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? मटेरियल और लेबर, राइट? मेरे दो एलिमेंट्स तो मेरे कंप्लीट हो गए।
तो सर तीसरा एलिमेंट क्या आया? अब तीसरा आया मेरे पास अदर एक्सपेंसेस। सर ये क्या आया? सर अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। चलो अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आई आपकी कोचिंग क्लासेस, राइट? आप सभी कोचिंग लेने जा रहे हो, क्लियर है? आप सब लोग कोचिंग लेने जा रहे हो। अब ये मत कहना कि सर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट तो नहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे होगे, क्लियर है? तो आप लोग अब कोचिंग क्लासेस लेने जा रहे हो, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि सर एक क्लास का मेरा एक्सपेंस कितना है? सर एक क्लास के मेरे से लिए गए 10,000 रुपये, राइट? सर अकाउंट्स के मेरे से लिए गए 15,000 रुपये, सर टैक्स के मेरे से लिए गए 18,000 रुपये, सर ऑडिट के मेरे से लिए गए 10,000 रुपये। तो आप एक सब्जेक्ट की मुझे कॉस्ट बता सकते हो कि सर एक सब्जेक्ट की मेरी कोचिंग की कॉस्ट क्या है? आप मुझे क्लियरली बता सकते हो? सर बिल्कुल बता सकते हैं, राइट? कि अकाउंट्स की कॉस्ट क्या है, टैक्स की कॉस्ट क्या है, ऑडिट की कॉस्ट क्या है, आप मुझे क्लियरली बता सकते हो, राइट? अब ये जो आपकी कोचिंग क्लासेस हैं, तीनों कोचिंग क्लासेस शहर के अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, तो आप जब अपना व्हीकल यूज करोगे तो उस पे क्या आएगी? फ्यूल कॉस्ट। सर बिल्कुल आएगी। सर क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि टैक्स की क्लास जाने के लिए आपका कितना फ्यूल लगा, ऑडिट की क्लास जाने के लिए आपका कितना फ्यूल लगा, और अकाउंट्स की क्लास जाने के लिए आपका कितना फ्यूल लगा? क्या आप मुझे बता सकते हो बाइफरकेट करके? सर बिल्कुल नहीं बता सकते। सर कैसे बताएंगे? सर हम तो 1,500 का डीजल डलवाते हैं गाड़ी में और तीनों क्लासेस घूमते हैं, राइट? तो फ्यूल कॉस्ट को आप एक क्लास में बाइफरकेट नहीं कर सकते, लेकिन एक कोचिंग क्लास की कॉस्ट को आप बाइफरकेट करके मुझे बता सकते हो कि सर अकाउंट्स के लिए 18,000 था, 15,000 था, टैक्स के लिए 18,000 था, ऑडिट के लिए 10,000 था। तो अगर आप किसी एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके मुझे बता सकते हो, तो ये क्या हुई मेरी? तो ये हुई मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? और अगर मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता इन वन एलिमेंट, दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर? तो मेरे लिए सीए बनने के लिए मेरे पास तीन एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। समझ में आया? अब अगर किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, सर किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सर उसमें भी यही तीन एलिमेंट सबसे ज़्यादा काम करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? मटेरियल, लेबर, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस के लिए। तो सर सीए भी ये क्या है? बिजनेस कर रहे हो आप लोग, राइट? तो आप लोग सीए बन चुके हो ऑलरेडी, क्लियर? तो किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। अभी तक हमने मटेरियल पढ़ लिया, क्यों ज़रूरी है? लेबर पढ़ लिया, क्यों ज़रूरी है? सर अदर एक्सपेंसेस क्या है? सर अदर एक्सपेंसेस आएगा ओवरहेड्स का पार्ट। सर क्या अदर एक्सपेंसेस सभी के सभी ओवरहेड्स हैं? सर नहीं, हम ओवरहेड्स में क्या पढ़ेंगे? अगर मटेरियल को डिवाइड करूँ, मैं आगे भी डिवाइड कर सकता हूँ इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर को डिवाइड कर सकते हैं हम सिमिलरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सर क्या हम एक्सपेंसेस को भी डिवाइड कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं हम एक्सपेंसेस को डिवाइड, अभी मैंने आपको करके भी दिखा दिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट? कैसे डिवाइड किया? एक क्लास को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन उस क्लास में आपका फ्यूल कितना लगा वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्लियर?
तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सर ओवरहेड्स क्या है, सर ओवरहेड्स क्या है ये, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं, ये हमने पढ़ लिया मटेरियल कॉस्ट में, राइट। अगर डायरेक्ट लेबर की बात करूं, ये हमने पढ़ लिया लेबर कॉस्ट में, राइट। अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो वो हमने पढ़ लिया लेबर कॉस्ट में, क्लियर। तो सर डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस कहां गए? सर ये भी हम अगर एक यूनिट ऑफ एफजी में अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको भी हम, इस कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं, उस यूनिट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। किसकी? एफजी की, एफजी की यूनिट कॉस्ट में हम उसे ऐड करते हैं। तो सर ओवरहेड क्या है ये तो बताओ, अभी तक हमने सारी राम कथा सुन ली, अभी तक ये नहीं पता चला हमें ओवरहेड क्या है। सर ओवरहेड जो कॉस्ट है वो है ऊपर के खर्चे। ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट, प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? ओवरहेड क्या क्या है, जो डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो जितनी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को भी कंसीडर तो करना है हमें बिजनेस के लिए, इसको इग्नोर थोड़े ना कर देंगे हम। सर कॉस्ट तो है हमारी, तो अगर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग तो जी पढ़ ली, मटेरियल भी पढ़ लिया, लेबर भी पढ़ लिया, तो सर इनडायरेक्ट कहाँ गई? सर इनडायरेक्ट को हवा में थोड़ी ना उड़ा देंगे, क्लियर। तो ओवरहेड कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस द इनडायरेक्ट लेबर एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। सो ओवरहेड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। सो ओवरहेड कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉस्ट्स व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल कॉस्ट से क्या मतलब है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी और अदर एक्सपेंसेस भी, तो सबको अगर मिला दें तो हमारी बनती है ओवरहेड कॉस्ट। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, इट इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स फॉर एनी बिजनेस टू आइडेंटिफाई वेदर द प्रॉफिट्स आर गोइंग अप और डाउन। ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, यही कंट्रोल करनी सबसे मुश्किल है किसी बिजनेस में। मटेरियल कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी, लेबर कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आपकी ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल करनी इज द मोस्ट टीडियस टास्क फॉर एनी बिजनेस मैन, क्लियर है। सो ये जो ओवरहेड कॉस्टिंग है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड यू शुड नो दैट हाउ टू एडवाइज यूर क्लाइंट ऑन कंट्रोलिंग दीज ओवरहेड कॉस्ट, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी बिजनेस एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू कंट्रोल। आप मटेरियल पे कंट्रोल कर लोगे, आप लेबर पे कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल करना इज द मोस्ट टीडियस टास्क, राइट। सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग दैट वॉट इज ओवरहेड कॉस्ट। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ओवरहेड कॉस्ट होती क्या चीज है, क्लियर है। इसलिए पूरी वो रामकथा पढ़ाई कि आपको सीए बनने के लिए कौन से एलिमेंट्स जरूरी हैं, ताकि एक चीज आपको क्लियर हो कि डायरेक्ट पार्ट क्या है और इनडायरेक्ट पार्ट क्या है आपका, क्लियर। सो व्हाट इज एन ओवरहेड कॉस्ट? ओवरहेड कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कॉस्ट्स व्हिच कैनॉट बी आइडेंटिफाइड इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर। तो सर इन ओवरहेड कॉस्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस ओवरहेड कॉस्ट में हम जो नेक्स्ट अब लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे, दैट इज उसमें टॉपिक आएगा हमारे पास एलोकेशन,
एंड अपोर्शनमेंट, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, राइट। ये एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट क्या चीज है, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं आपको। एक फैक्ट्री है, राइट, दिस इज द फैक्ट्री प्रेमिसेस। अब इस फैक्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, दिस इज डिपार्टमेंट ए एंड दिस इज डिपार्टमेंट बी, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, क्लियर। अब ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्लियर है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 50,000 रुपीज, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी दोनों डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक यूनिट के लिए कितना यूज कर रहे हैं? सर कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी या पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, मैं एक यूनिट में कैसे बता दूंगा आपको? सो दिस इज माय इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहली चीज। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो मेरी क्या हुई है, ओवरहेड कॉस्ट हुई, क्लियर है। अब मेरी ये जो ओवरहेड कॉस्ट है, दिस अमाउंट्स टू 50,000, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो आप कहते हो कि ये जो 50,000 है, मुझे इन दोनों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने हैं। तो सर आप डिवाइड कैसे करोगे, क्या आप इक्वली डिवाइड कर दोगे? क्या आप बोलोगे कि डिपार्टमेंट ए को मैं 25,000 चार्ज करूंगा और डिपार्टमेंट बी को भी मैं 25,000 चार्ज करूंगा? सर ये अनफेयर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ए के पास एरिया ज्यादा है, यहां पे आपकी 4 लाइट्स और 3 फैन काम कर रहे हैं, राइट। डिपार्टमेंट ए में की एरिया कम है, यहां पे 2 लाइट्स हैं और 1 फैन है। तो सर आप दोनों को इक्वली कैसे कॉस्ट अपोर्शन कर दोगे? सर नहीं कर सकते, ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, बी के ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा, जबकि बी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहा है, ए ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ए को खर्चा ज्यादा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? लॉजिक है ना कि ए जो डिपार्टमेंट है उसको खर्चा ज्यादा पड़ना चाहिए, राइट। चलो एक सिंपल और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, अगर ऐसे नहीं समझ आए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका घर है, राइट, उसके फर्स्ट फ्लोर पे, उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 3 कमरे हैं, वहां पे Room 1, Room 2 and Room 3। Room 1 और 2 एक ए ने ले लिया और Room 3 जो है वो बी ने ले लिया। ए ने कहा जी मुझे 2 रूम चाहिए, उसने ले लिया, राइट, ये ए प्लस फैमिली है। बी अकेला रहता है तो वो कहता है जी मुझे तो सिंगल रूम चाहिए, मुझे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो इकट्ठा आता है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो इकट्ठा आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया सर 20,000 रुपये। तो अब मुझे ये बताओ कि आप ए और बी दोनों को कहोगे कि 10,000 दे? सर आप नहीं कह सकते कि दोनों को 10,000 दे, क्यों? क्योंकि बी कहेगा कि मेरे पास 1 कमरा है, ए के पास 2 कमरे हैं, ए ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, तो मैं इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मेरे हिस्से में कम आना चाहिए, राइट है, लॉजिक है ना। तो बी कहेगा कि मैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास तो 1 लाइट है, 1 फैन है सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं 10,000 क्यों भरूँ उस चीज़ का, राइट। कि ए की फैमिली भी रहती है, ए के पास 2 रूम है, ए के 4 लाइट्स जल रही हैं, 4 पंखे चल रहे हैं, सर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हिस्से का बिल मैं क्यों भरूँ, राइट। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ओवरहेड कॉस्टिंग, कि जो कॉस्ट की अपोर्शनमेंट है, कॉस्ट को वेरियस डिपार्टमेंट्स में हमें डिवाइड करना है, तो वो किस बेसिस पे डिवाइड करना है, हमें कैसे डिवाइड करना है ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, क्लियर। तो ये हमारा मेन रीजन ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ने का, कि ओवरहेड कॉस्टिंग है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्लियर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद
द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर हेड कॉस्टिंग, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट विद इज अपोर्शनमेंट, राइट, एंड एलोकेशन. दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मैं इनका डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अपोर्शनमेंट और एलोकेशन के बीच में. प्लस हम अपोर्शनमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट, अपोर्शनमेंट स्टार्ट करेंगे हम. क्लियर है? राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.